आप मानो या ना मानो, लेकिन और सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और इसी बढ़ती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए यदि आपने एक एसी खरीदने का मन बना लिया है, तो आपके लिए एसी खरीदने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय तक सभी ब्रांड्स ने अपने एसी के 2023 मॉडल को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, एसी खरीदना इतना आसान भी नहीं है। आप अपने हार्ड अर्न मनी से 40-50 हजार रुपए खर्च करने जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही कि इतने सारे मॉडल्स में हमारे लिए बेस्ट एसी कौन सा है। लेकिन डोंट वरी, ये वीडियो एसी से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा और आपके लिए ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि कुछ एसी तो हमने खुद खरीद के लगातार टेस्टिंग करी है, ताकि आपको एक बेहतर रिव्यू वीडियो दे सकें। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो एसी खरीदने से पहले आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी, तो आप इस पॉइंट को समझिए। अगर आपका रूम एयर सील्ड है, ज्यादा एयर लीकेज नहीं है, तभी आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। आपके रूम में विंडो है, डोर है, बंद रहते हैं या आने जाने के लिए खुलते हैं, ये सब एयर सील्ड रूम की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यदि आपने परमानेंटली एक कर्टन लगा रखा है, जहां पे एक रास्ता बना हुआ है किसी और रूम में आने जाने के लिए, वो रूम एयर सील्ड की कैटेगरी में नहीं आता। ऐसे केस में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अगर आपके घर या ऑफिस में बार बार पावर कट होता है, पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड नहीं है, तब आपके लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा सही रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है, तब आप एक इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। लास्ट ईयर बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सारे पैरामीटर्स को चेंज किया था, जिसके बाद अब 5 से ऊपर ISR वैल्यू होने पे ही आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। चूंकि अब ISR वैल्यू 5 से ऊपर होने पे ही आपको किसी भी एसी में 5 स्टार रेटिंग देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादातर ब्रांड्स ने क्या किया है कि अपने एसी की कूलिंग कैपेसिटी को कम कर दिया है, ताकि उनका एसी 5 स्टार रेटिंग की कैटेगरी में आ सके। ऑब्वियसली जब एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम होगी, तो वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा ही, इसलिए आपको स्टार रेटिंग के साथ साथ एसी की कूलिंग कैपेसिटी पे भी जरूर ध्यान देना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके रूम के साइज के हिसाब से आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए, तो आप इस चार्ट को देखिए। अगर आपके रूम का साइज 120 स्क्वायर फीट तक है, तब आपको एक 1 टन का एसी लेना चाहिए। 120 से 180 स्क्वायर फीट तक के बीच में है, तब आप एक 1.5 टन का, और 180 से लेकर 280 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए आपको एक 2 टन का एसी लेना चाहिए। एसी खरीदते समय सबसे ज्यादा लोग जिस पैरामीटर को इग्नोर करते हैं, वो हैं एसी के नॉइज लेवल्स। आपको कम से कम नॉइज लेवल वाला एसी कंसीडर करना चाहिए, ताकि आपको साइलेंट कूलिंग मिल सके। ज्यादा नॉइज वाले एसी आपको रात को सोते समय परेशान कर सकते हैं। जहां नॉन इन्वर्टर एसी में एक पीसीबी लगा होता है, वहीं इन्वर्टर एसी में 2 पीसीबी लगे रहते हैं, एक इंडोर यूनिट पे और दूसरा आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट वाला पीसीबी सन से डायरेक्टली एक्सपोज होता है, जिससे उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर वो खराब हो जाए, तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है अप्रोक्स 15-20 हजार रुपए। इसलिए आपको एक इन्वर्टर एसी लेते समय मैक्सिमम पीसीबी वारंटी वाले एसी को ही कंसीडर करना है, ताकि आप इन खर्चों से बच सकें। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आसपास से होकर नाला गुजरता है, तो आपको हमेशा एक ऐसा एसी कंसीडर करना चाहिए जिसके कंडेंसर पे स्पेशल केमिकल कोटिंग करी गई हो, ताकि आपको गैस लीकेज की समस्या ना झेलनी पड़े। तो अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इंडिया में बिकने वाले इस साल के टॉप 5 बेस्ट इन्वर्टर एसी। आपकी रिक्वायरमेंट में जो भी एसी फिट बैठता हो, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट इन्वर्टर एसी की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है कैरियर का 1.5 टन का 5 स्टार एसी, जिसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 1.42
टू टन। कैरियर का ये एसी फ्लैगजी कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें आपको 6-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स मिलते हैं जो 0.8 टन से लेकर 1.7 टन तक काम करते हैं। इस एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉयल मिलता है, जिस पे एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन करी गई है, जो आपके आउटडोर यूनिट को रस्ट एंड कोरोजन से बचाता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी रस्ट एंड कोरोजन की वजह से गैस लीकेज की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इस एसी में आपको हिडन डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, यानी यदि आप नहीं चाहते हैं कि डिस्प्ले ऑन रहे तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये एसी ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप एसी को बंद करेंगे तो जो इंडोर यूनिट के कॉयल और फिल्टर पे पानी की बूंदे रहेंगी, उसे ये एसी अपने आप सुखा देगा। कैरियर का ये एसी डुअल फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है विथ HD एंड PM 2.5 फिल्टर, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लीन एयर मिल सकता है। ये एसी 150 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। इस एसी की ISR वैल्यू 5.13 की है, जिसके इंडोर यूनिट के नॉइज लेवल्स हैं 38 डेसिबल। इसके इंडोर यूनिट पे हाइड्रो ब्लू कोटिंग करी गई है, और कैरियर के अनुसार ये एसी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है विद इन 135-280 वोल्टेज रेंज। हालांकि मेरा सजेशन ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी के स्टेबलाइजर को लगाकर अपने एसी को पहले दिन से ही प्रोटेक्ट करके चलें। कैरियर के इस एसी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स वारंटी ऑन PCB एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। आप इस एसी को इस समय खरीद पाएंगे 42,000 रुपीज में। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं इस एसी के प्रोज एंड कॉन्स की। इस एसी के अंदर आपको बहुत सारे कूलिंग मोड्स मिलेंगे, जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कूलिंग भी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ कॉन भी हैं। सबसे पहले इस एसी के इंडोर यूनिट के ऑन पेपर नॉइज लेवल है 38 डेसिबल, लेकिन एक्चुअल में ये इससे कहीं ज्यादा है। दूसरा, इसमें वाईफाई और ऐप का भी सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप इन कॉन्स को अवॉइड कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट इन्वर्टर एसी की हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है लोएड का 1.5 टन 5-स्टार एसी, जिसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 1.45 टन। लोएड का ये एसी वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर के साथ आता है, जिसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स देखने को मिलेंगे, जो 0.4 टन से लेकर 1.6 टन तक काम करते हैं। इस एसी में आपको 100% कॉपर कॉयल देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 4-वे एयर स्विंग फीचर भी मिलता है। ये एसी एंटीवायरल और PM 2.5 एयर फिल्टर के साथ आता है, जो लोएड के अनुसार बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है, जिससे आपको कूलिंग के साथ साथ फ्रेश एयर भी मिलती है। 5.06 की ISR रेटिंग है इस एसी की, जिसके इंडोर यूनिट के नॉइज लेवल्स हैं 40 डेसिबल। इस एसी में आपको गोल्डन फिन्स इवेपोरेटर कॉइल्स देखने को मिलेंगे, जिसके लिए लोएड का ये कहना है कि इसकी वजह से आपको बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस मिलती है। विद इन 100-300 वोल्टेज रेंज लोएड स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का दावा करता है, और आप इस एसी को मैक्सिमम 170 स्क्वायर फीट के रूम साइज के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लोएड आपको इस एसी पे देता है 1 ईयर की वारंटी एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। आप इस एसी को इस समय खरीद पाएंगे 39,000 रुपीज में। अब बारी आती है इसके प्रोज एंड कॉन्स की। ये एक अच्छा एसी है, इसकी कूलिंग अच्छी है, डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, और इसका प्राइस भी डिसेंट है। लेकिन इसमें एक मेजर कॉन है, इस एसी में आपको पीसीबी पे एक्स्ट्रा वारंटी नहीं मिलती, और मेरे अनुसार इस कॉन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस एसी में आपको वाईफाई और ऐप का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बाकी ओवरऑल ये एक अच्छा एसी है। अगर आपको भी ये पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। बेस्ट इन्वर्टर एसी की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है LG का 1.5 टन का 5-स्टार एसी, जिसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 1.3 टन, जो पिछले साल के मॉडल की तुलना में काफी कम है। और ऐसा LG ने इसलिए किया है ताकि उसे 5.2 की ISR वैल्यू अचीव हो सके। कूलिंग कैपेसिटी को कम करके एसी को पावर एफिशिएंट बताने
घबराना ये ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये फीचर लोडेड एसी है, इसलिए इसने नंबर 3 की पोजीशन को एक्वायर किया है। एलजी के इस एसी में आपको एआई डुअल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जिसमें आपको 6-in-1 एआई कन्वर्टिबल मोड्स देखने को मिलेंगे, जो 0.5 टन से लेकर 1.43 टन तक की कैपेसिटी तक काम करते हैं। इस एसी का एआई मोड खुद से कूलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर रूम कंडीशंस। वहीं आप इसका विराट मोड यूज कर सकते हैं जब आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए हो, क्योंकि विराट मोड में ये एसी 110 से 117% की कूलिंग कैपेसिटी पर काम करता है। इस एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलेगा और हाई ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स मिलेंगे। साथ ही इसका कॉपर ट्यूब, कंडेंसर और फिन्स ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, जिसमें एक स्पेशल केमिकल कोटिंग करी गई होती है जो कंडेंसर, फिन्स और कॉपर पाइप को रस्ट एंड कोरोजन से बचाते हैं, जिससे गैस लीकेज के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और आप इसे कोस्टल एरिया में भी इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एसी में आपको 4-way एयर स्विंग भी मिलेगा, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों स्विंग एक्शन परफॉर्म होंगे, ताकि आपको आपके रूम में यूनिफॉर्म कूलिंग मिल सके। ये एसी HD फिल्टर विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिससे आपको कुछ हद तक क्लीन एयर मिल सकते हैं। LG का ये एसी ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसके नॉइज लेवल्स हैं 31 डेसिबल। बिल्कुल साइलेंट एसी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एसी चल रहा है। आप इस एसी को मैक्सिमम 150 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और LG इस पे स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का दावा करता है विद इन 120 टू 290 वोल्टेज रेंज। LG के इस एसी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स वारंटी ऑन PCB एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। इस एसी को आप इस समय खरीद पाएंगे 45,000 रुपीज में। ये अभी का प्राइस है, प्राइस चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं इस एसी के प्रोज एंड कॉन्स की। ये एक बहुत अच्छा एसी है। इस एसी में आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसका AI मोड बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कूलिंग कैपेसिटी कम है, तो आपको 150 स्क्वायर फीट से बड़े साइज के रूम के लिए इसे बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए। छोटे रूम के लिए ये परफेक्ट एसी है। इस पर्टिकुलर मॉडल में वाईफाई और ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपको ऐसे फीचर्स की जरूरत है तो इससे हायर मॉडल में ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही मॉडल के लिंक हैं, आपको जो पसंद आए उसे जरूर चेक कीजिए। अब हमारी लिस्ट में जो टॉप 2 एसीज हैं, वो हैं जापानीज एसी। आपको पता भी होगा कि जापानीज एसी सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, और इन दोनों एसीज को मैं खुद अपने घर में यूज कर रहा हूँ। बेस्ट इन्वर्टर एसी की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है डेकिन का 1.5 टन का 5-star एसी, जिसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी एक्चुअल में 1.5 टन है। डेकिन के इस एसी में आपको स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जो डेकिन की अपनी एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आपको फास्टर कूलिंग मिलती है। इस एसी में आपको 3D एयर फ्लो मिलता है, जो एक्चुअली में 4-way एयर स्विंग फीचर ही है, और इससे आपके रूम में यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। आप इस एसी के इकोनो मोड को यूज कर सकते हैं जब आपको कम कूलिंग की जरूरत हो और बिजली की बचत करनी हो। आप इस एसी के पावर चिल मोड को यूज कर सकते हैं जब एक्सट्रीम हीट में आपको जल्दी से कूलिंग चाहिए हो। इस मोड में ये एसी 20% फास्टर कूलिंग करता है अपने नॉर्मल मोड से। आपको इस एसी में डेकिन का पॉपुलर कोएंडा एयर फ्लो भी मिलता है, जिसमें आपको कंफर्ट कूलिंग मिलती है बाय इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग एयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। डेकिन के इस एसी में आपको 100% कॉपर कॉइल देखने को मिलेगा, जिसपे एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट भी करी गई है। इस एसी में आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। ये एक 1-button ऑपरेशन है। आप जैसे ही इसे एक्टिवेट करते हैं तो ये इंडोर यूनिट के इवेपोरेटर क्वाइल को कंडेंस्ड वाटर की हेल्प से ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, जिससे आपके इंडोर यूनिट के हीट एक्सचेंजर की अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है और आपको बेटर एयर फ्लो और कंसिस्टेंट कूलिंग परफॉर्मेंस पूरे साल मिलती रहती है।
है ना कमाल का फीचर। इस एसी में आपको PM2.5 फिल्टर भी देखने को मिलेगा और इसके इंडोर यूनिट के नॉइज लेवल्स हैं 38 डेसिबल। डेकिन का ये एसी 5.2 के हाई ISR वैल्यू के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डेकिन के अनुसार आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन मिलेगा विद इन द वोल्टेज रेंज 130 to 285 वोल्ट। इस एसी में आपको ट्रिपल डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा और आप इसे 180 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए इजीली कंसीडर कर सकते हैं। डेकिन के इस एसी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स वारंटी ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। आप इस एसी को इस समय खरीद पाएंगे 44,000 रुपीज में। आइए अब देख लेते हैं इस एसी के प्रोज एंड कॉन्स को। ये एक शानदार एसी है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, सारे अच्छे फीचर्स आपको इस एसी में देखने को मिल जाते हैं। अप टू 54 डिग्री सेल्सियस तक के एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी आप इस एसी से कूलिंग का मजा ले सकते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो इस एसी में आपको वाईफाई और ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा इस एसी को यूज करते हुए मुझे कोई भी दूसरा कॉन देखने को नहीं मिला। अगर आपको इस फीचर की ज्यादा जरूरत नहीं है तो वाकई में ये एक बहुत अच्छा एसी है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट इन्वर्टर एसी की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाला एसी है पैनासोनिक का 1.5 टन का 5 स्टार एसी, जिसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 1.45 टन। पैनासोनिक के इस एसी में आपको ऑटो कन्वर्टिबल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 7-in-1 कन्वर्टिबल मोड मिलते हैं विथ AI मोड। आप इस एसी को 40% से लेकर 90% की कैपेसिटी पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें फुल कैपेसिटी मोड और हाई कैपेसिटी मोड भी मिलेंगे। हालांकि इस एसी के जिस मोड को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है इसका AI मोड, जिसमें एसी खुद से आपके रूम कंडीशन को जज करके आपको एप्रोप्रिएट कूलिंग देता है। आप इसके इकोनेवी मोड को यूज कर सकते हैं जब आपको कम कूलिंग की जरूरत हो और बिजली की बचत करनी हो। आप ध्यान से देखिए, इस एसी का जो इंडोर यूनिट है वो नॉर्मल से थोड़ा बड़े साइज का है और आपको इसमें 4-way एयर स्विंग यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों स्विंग मिलता है। इसके अलावा इस एसी में डिस्प्ले ऑफ का भी फीचर मिलेगा, यानी जब एसी के डिस्प्ले का लाइट आपको सोने में परेशान कर रहा हो तब आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट एसी है जिसे आप वॉइस कंट्रोल भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। इस एसी के साथ आपको पैनासोनिक का मिराई ऐप भी मिलता है, जिसकी हेल्प से आप एसी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने खुद का कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, जिसमें रात के किस घंटे में कितने टेम्परेचर की कूलिंग आपको चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। पैनासोनिक का ये एसी 100% कॉपर कंडेंसर और कॉपर ट्यूब के साथ आता है, जिसमें आपको सील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जो आपके फिन्स और कंडेंसर को रस्ट एंड कोरोजन से बचाता है। लगभग सारे एसी में आपको PM2.5 फिल्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एसी PM0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर के साथ आता है, यानी इस एसी में आपको वाकई में कूलिंग के साथ साथ क्लीन एयर भी मिलेंगी। ये एसी सेल्फ डायग्नोसिस के साथ आता है, यानी एसी में कुछ भी खराबी हुई तो डिस्प्ले पर एक एरर कोड शो होगा। इस एसी को आप 180 स्क्वायर फीट के रूम साइज के लिए इजीली कंसीडर कर सकते हैं और इसके नॉइज लेवल्स हैं 39 डेसिबल। 5.1 की ISR वैल्यू के साथ आता है ये एसी, जिसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलेगा, जिसकी रेंज है 100 वोल्ट टू 290 वोल्ट। पैनासोनिक के इस एसी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स वारंटी ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। और यदि आप इससे ऊपर वाला मॉडल लेंगे तो उस पे आपको 5 ईयर्स की वारंटी आउटडोर यूनिट पे भी मिलेगी। इस एसी के 2-3 मॉडल्स आते हैं, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 45,000 रुपीज। अब बारी आती है इस एसी के प्रोज एंड कॉन्स की। ये वाकई में एक बहुत शानदार एसी है, इसका AI मोड बहुत इफेक्टिवली काम करता है और बिजली की बचत भी करता है। इसमें आपको PM0.1 का एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर मिलता है, बहुत ही शानदार मिराई ऐप मिलता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर कॉन्स की बात करें तो मैं इसका सबसे हायर मॉडल पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूं और मुझे इस एसी में कोई भी
फोन देखने को नहीं मिला। हालांकि यदि LG वाले AC से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा नॉइजी है, लेकिन ये नॉइज आपको पता भी नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इस AC को खरीदने के बाद कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों AC की बातें तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अब हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं। यदि आप इन लिंक्स का यूज करके अपनी परचेज को पूरा करते हैं तो आपके प्राइस में एक पैसे का भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन इस चैनल की आपके द्वारा बहुत ज्यादा मदद होगी और वही मदद हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने की। प्लीज अपनी परचेज को पूरा करने के लिए उन लिंक्स का यूज कीजिएगा, जिससे आपके द्वारा थोड़ी हमारी भी मदद हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट या सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।